ओके सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि वैलिडेशन रूल क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमको एक्सेस के अंदर. अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए पहले हमें उसके जो सिंटैक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, जो जो उस पर यूज होता है एक वैलिडेशन रूल अप्लाई करने के लिए नेसेसिटी होती है जो, उसको हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो वैलिडेशन रूल बनाने हैं तो पहले आपको वो सारे ऑपरेटर्स एंड जो जो चीजें यहाँ पर यूज होती हैं वैलिडेशन रूल बनाने में उनको डिस्कस करना पड़ेगा. जैसे आप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो जब, तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से अलाउड हैं उस लैंग्वेज के अंदर, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, तो ये सारी चीजें सीखते हो ताकि आप इफेक्टिवली फिर बाद में उसके ऊपर उस लैंग्वेज के हिसाब से प्रोग्राम बना पाओ. तो यहाँ पर जो वैलिडेशन रूल है एक्चुअली हम मान सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग पार्ट ही है थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लूड, वो लॉजिकल पार्ट जिसमें हम लॉजिक बना सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं एक्सेस के अंदर और उनका मीनिंग क्या होता है और कैसे लिखा जाता है वो ऑपरेटर. तो सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पर लेस देन. लेस देन जस्ट लाइक सी एंड अदर लैंग्वेजेस में जैसे आपका ऑपरेटर वर्क करता है, लेस देन उसी तरह से काम करेगा. कंपैरिजन के लिए यूज होता है ये. ठीक है, और जो उसका रिजल्ट होता है वो लॉजिकल ये कंपैरिजन है तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स. जैसे अगर हम लोग यहाँ पर टू वैल्यूज को कंपेयर करें, 40 इज लेस देन 20. ठीक है, 40 क्या 20 से छोटी वैल्यू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. नो, 40 इज नॉट लेस देन 20. तो उसका रिजल्ट जो भी आप कंपेरिजन यहाँ पर करोगे या तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा या फिर उसका रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स होगा, एक ही आउटपुट मिलेगा इसका. राइट, अगर मैं लिखती हूँ 20 इज लेस देन 40 तो आउटपुट क्या होता है इसमें? ट्रू. ऐसे यहाँ पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जस्ट इसका रिवर्स काम करता है. हम अगर यहाँ पर लिखते हैं कि 40 इज ग्रेटर देन 20 तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलता? ट्रू. यहाँ पर आपको फॉल्स मिला था, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता ट्रू. करेक्ट, देन ग्रेटर देन इक्वल्स ट्रू, यानी कि दो कंडीशन को हम एक साथ चेक करवा रहे हैं कि कोई वैल्यू क्या दूसरी वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी या फिर बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ बड़ी का कंपैरिजन था लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू का कंपैरिजन भी. ओके, एक क्वेश्चन है आप लोगों से. अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 4 तो क्या आउटपुट मिलता है? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा? ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? हम लोग को पता है कि आउटपुट विल बी फॉल्स. ठीक है, चाहे तो सेम वैल्यूज हैं बट फिर भी क्या मिलेगा हमको आउटपुट? यहाँ पर इक्वल नहीं है. कहने का मतलब ये ग्रेटर भी नहीं बोल सकते इसको, और अगर मैं उल्टा लिख दू लेस लिख दू यहाँ पर 4 इज लेस देन 4 तो भी फॉल्स होगा. ना तो 4 से ग्रेटर होता है ना ही 4 से लेस होता है, वो इक्वल्स टू 4 होता है. लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इक्वल्स टू का साइन तो लगाया ही नहीं. लेकिन यही अगर हम लिख दें कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये कंपेयर करें अगर हम, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको? अब इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पर हमको ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा आउटपुट, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है. ठीक है, तो आपका एक तो आपके कब ट्रू मिलेगा हमको? जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर होगी सेकंड वैल्यू से तब भी आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा, जब इक्वल होगी तो भी ट्रू मिलेगा. फॉल्स सिर्फ एक ही केस में मिलेगा जब लेस देन हो, पहली वैल्यू छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, उसी केस में आपको फॉल्स मिल सकता है. करेक्ट, सिंपल है ये, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये दोनों ऑपरेटर. किसी भी ऑपरेटर में कोई भी डाउट हो आपका तो आप चैट बॉक्स में इसको लिख करके एक्सप्लेन करवा सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है इक्वल्स टू. देखो थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर. जैसे हम प्रोग्रामिंग में सी में लिखते थे इक्वल, जैसे हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कंपेयर करती हूँ कि इज ए इज इक्वल्स
इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर सी के अंदर अगर मैंने ये लिखा होता तो ये असाइनमेंट था कि ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाए, असाइनमेंट ऑपरेटर था इक्वल्स टू। लेकिन एक्सेस के अंदर ये जो इक्वल्स टू होता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जो प्रोग्रामिंग में हमारा इक्वल इक्वल्स टू चलता था, अब यहाँ पर ये नहीं चलता है। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी, ये कंपैरिजन असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के असाइनमेंट डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर वर्क करता है इक्वल इक्वल्स टू के लिए सिंपल वन इक्वल्स। तो अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एक्सेस के अंदर ओनली, तो आप क्या लिखोगे बीच में इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू लिखोगे डबल टाइम तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, सी के अंदर कैसे लिखते थे नॉट इक्वल्स, इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलता है, यहाँ पर आप लिखते हो नॉट इक्वल्स टू को, दो वैल्यू को अगर कंपेयर कर रहे हो और नॉट इक्वल्स टू यूज करना है तो हमारा ये वाला लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों का साइन एक साथ कंटिन्यूसली आता है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें, सपोज ए के अंदर कुछ वैल्यू है और बी के अंदर कुछ वैल्यू, तो हमने लिखा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और ए के अंदर हमने डाल दिया 10 और बी के अंदर हमने सपोज डाल दिया 12। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा इस कंपैरिजन का, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन द आउटपुट विल बी ट्रू कि हाँ भाई ए बी दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज ट्रू। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो आउटपुट होता फॉल्स, नो ये बोलता कि दोनों की वैल्यू सेम है तो नॉट इक्वल्स टू इज नॉट ट्रू, दिस इज इक्वल्स, तो वहां पर आउटपुट हमको मिलता फॉल्स, ओके। इतना क्लियर है ये सारे ऑपरेटर यहां तक, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? फटाफट रिप्लाई कीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, अभी इन ऑपरेटर के बेस पे ही फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास वैलिडेशन रूल के एक्स एग्जाम्पल्स, पहले मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर लेती हूँ आप लोगों को, फिर इनको प्रैक्टिकली अप्लाई। देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आप बोलोगे इस तरह तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये कंपेयर किससे करेगा, ठीक है। तो आप देखना इसका वर्किंग स्टाइल एक्सेस का, एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग वैलिडेशन रूल नाम से, वैलिडेशन रूल्स। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा फील्ड्स बना लेते हैं, डबल फील्ड्स। तो उसने ऑटो नंबर ले लिया अपने आप, ओके रहने देते हैं इसको, ठीक है। अभी सपोज मेरा ये है फील्ड वन, F1 मैंने नाम दिया मेरे फील्ड वन को, और यहाँ पर डेटा टाइप में ले लेती हूँ नंबर, ठीक है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन किसके साथ वर्क करता है, नंबर टाइप के डेटा के साथ। टेक्स्ट टाइप पे आप कंपेरिजन इस तरह से नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वो सिर्फ नंबर वैल्यूज पर काम करेंगे, टेक्स्ट पर ये डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं करेंगे। आपको भी पता होगा कि जब सी में आपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने की चीजें सीखी थी तो वहां पर क्या था, स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शन था, स्ट्रिंग str कंपैरिजन के लिए, कंकेटिनेशन के लिए, ठीक है, इक्वल्स टू है या नहीं उसके लिए, तो वहां पर पूरे स्ट्रिंग के फंक्शन चलते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज अप्लाई होती है, टेक्स्ट वाले केस में, स्ट्रिंग के केस में वो वाले फंक्शन चलते हैं, ये सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन डायरेक्टली नंबर वैल्यूज को कर सकते हैं, हम किसी स्ट्रिंग टेक्स्ट नेम को नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने एक फील्ड ले लिया F1। अब यहाँ पर आ जाओ डेटा शीट व्यू पर। तो यस सेव कर लिया हमने, अभी तो ऑटो जनरेटेड फील्ड है। इसके अंदर सपोज मैंने डाल दिया 0, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 90। तो ये सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है फील्ड पर। ओके, अब सपोज हम चाहते हैं कि ये जो मेरा फील्ड वन है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर 0 को ये एक्सेप्ट ना करे, ठीक है? या हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि कोई बिल के लिए हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब हमने क्वांटिटी लिखी, जैसे फूड क्वांटिटी इसका नाम कर देते हैं, ठीक है? फूड की क्वांटिटी क्या रख रहे हैं हम, ठीक है, फूड क्वांटिटी। अब यूजर फूड क्वांटिटी के अंदर 0 ना डाल पाए, 0 का मतलब वो कुछ ले ही नहीं रहा है, तो हम ऐसी एंट्रीज को लेंगे ही, करेक्ट? तो इस फील्ड में जो वैल्यूज आनी चाहिए वो मोर देन 0 आनी चाहिए, या मोर देन या 1 और मोर ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे कि 0 ना ले। तो हमको यहाँ पर वैलिडेशन रूल के अंदर वो चीज हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा था, एंट्री अगर हम लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू 0 और वो ट्रू होता है तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंट्री मस्ट बी अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है? अभी हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डिजाइन व्यू पे जाएंगे। अब इस फील्ड पर हमें वो वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है, फूड क्वांटिटी वाले फील्ड पर। तो इसके वैलिडेशन रूल पर आप चले जाओगे, ठीक है? पहला एग्जांपल दे रही हूँ कैसे लिखते हैं वैलिडेशन रूल को। ओके, हमें इस फील्ड पे वैलिडेशन लगाना है, हमने लिखा नॉट इक्वल्स टू 0। अब लिखने का पूरा तरीका वो नहीं होगा जो कि अपने सी में होता है, इफ दिस देन प्रिंट दिस देन एल्स प्रिंट दिस, ऐसा तो यहाँ पर नहीं होगा, राइट? ये तो फील्ड है, यहाँ पर वैल्यूज आएंगी। अब उसको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, उसके लिए हम कंडीशन दे रहे हैं। हमने जो ये कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी वो यूजर की एंट्री को पास करेगा, यानी कि ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये आउटपुट देता है फॉल्स, तो उस एंट्री को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूजर को वहीं पर बोल देगा कि यू हैव टू एंटर अ न्यू वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू, राइट? तो ये हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, क्योंकि इस साइड तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। ओके, हमने 0 से कंपेयर किया, दैट इज ओके, बट किसको? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि हम इस फील्ड के ऊपर ये कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है एक्सेस के अंदर कि आप इसी फील्ड को कंपेयर कर रहे हो 0 से, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से उठ के आएगी? जो भी यूजर इस फील्ड के अंदर वैल्यू देगा वो खुद ही 0 से कंपेयर हो जाए, तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अभी आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कहीं कहीं पर लिखने की जरूरत पड़ती है फील्ड का प्रॉपर नेम, तो वहां पर कैसे लिखना है वो मैं आप लोग को बता दूँ। बट फॉर नाउ वी डोंट हैव टू राइट द फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट वेरिएबल जो भी है, ठीक है? वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर मैंने फूड क्वांटिटी फील्ड के ऊपर ये वैलिडेशन लगाया है और 0 से कंपेयर कर रही हूँ, दैट मींस इसके अंदर यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वहां डेटा शीट व्यू में, वो वैल्यू 0 से कंपेयर होगी। अगर ट्रू होता है नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब कि वो 0 नहीं डाल रहा है, तो ट्रू आएगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उस एंट्री को। और अगर वो अदर देन 0 डालता है तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर 0 डाल रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो उसको उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स के केस में वो उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसको मैंने सेव कर लिया। यस यस, ये मैसेजेस क्यों दिए इसने, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर 0 और अदर वैल्यू देके रखी है, तो उसने कहा कि वो डेटा लॉस्ट हो सकता है आपका या फिर चेंज हो सकता है, बट उसने अभी तक ऊपर वाला डेटा चेंज किया नहीं, ठीक है? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ऊपर की वैल्यूज अफेक्ट करे आफ्टर वैलिडेशन रूल अप्लाई करने के बाद, या फिर ना करें, वो अनसर्टेन है। तो स्टार्टिंग में ही वैलिडेशन रूल लगा दो तो उतना ही सही रहता है। अब यहाँ पर न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से वैलिडेशन रूल आपका अप्लाई होगा। मैंने 0 दिया इसको, ठीक। मैं अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर नहीं जा सकते हो।
आपने जो वैल्यू डाली है वो करेक्ट नहीं है, वो वैलिड है, ठीक है, करेक्ट तो नहीं, वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट वैलिडेशन. मैसेज क्या दे रहा है ये, वन और मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल नॉट इक्वल टू जीरो सेट फॉर दिस 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 एंटर अ वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन फॉर दिस फील्ड कैन एक्सेप्ट. ऐसे वैल्यू डालो कि जिसको जिसके जिसको इस फील्ड में एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है. तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया उसने किस फील्ड पे हमने क्या वैलिडेशन रूल लगाया है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, राइट. तो अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डालती हूँ तो वो उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर मैं जीरो डाल रही हूँ तो वो उसको, ठीक है. अब यहाँ पर ये देखना आपकी माइनस में भी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वैलिडेशन रूल ही ऐसा लगाया, हमने जस्ट जीरो को मना किया, बाकी प्लस और माइनस में दोनों में ही वो क्वांटिटी ले सकता है अभी. तो उसके लिए हमें थोड़ा और यहाँ पर रूल देने की जरूरत है, ठीक है. परफेक्ट नहीं है अभी भी, बट जीरो को एक्सेप्ट नहीं करवाने के लिए ये आपका वैलिडेशन रूल. इतना समझ में आया सब लोग को? इज दिस क्लियर और नॉट? कोई भी डाउट हो उसके अंदर ऐसे क्यों लिखा? यस कामराम, वीडियो ऑन कर लीजिए आप. तो ये तो था, आपने वैलिडेशन रूल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है. और एक चीज और क्लियर हो गई कामराम के क्वेश्चन से कि आप यहाँ पर फर्स्ट जो इसमें वेरिएबल होता है जिससे कंपेयर करना है वो फील्ड होता है खुद में, और यहाँ पर आप जीरो दे दोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दूसरी जगह पर फील्ड को नहीं लेगा, तो वो आपको फर्स्ट पैरामीटर ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, सेकंड पे आप कंपैरिजन वाली वैल्यू रख सकते, ठीक है. या तो फिर आप डायरेक्टली फील्ड नेम दो, बट वो तरीका थोड़ा चेंज है, तो उसको हम सिक्वेंशली जाएंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगी, ओके. अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना, जब आप कुछ इनवैलिड चीज दे रहे हो उसको, तो आपको एक मैसेज आ रहा है. वो मैसेज डिफॉल्ट मैसेज है जो एमएस एक्सेस आपको दे रहा है, वो डिफॉल्ट मैसेज है. सपोज आप चाहते हो कि अगर यूजर कुछ इनवैलिड चीजें टाइप करे तो एक मैसेज आए जो कि मैं लिखना चाहती हूँ, मैं यूजर को बताना चाहती हूँ कि उसको क्या करना है. क्योंकि अगर मैं ये मैसेज किसी बिल्कुल ऐसे यूजर को दू जिसको डेटाबेस का डीबी नहीं पता हो, नहीं पता हो कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ, और वो एंट्री कर रहा है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या होते हैं, ये वैलिडेशन रूल क्या है, नॉट इक्वल्स टू, उसको साइन ही नहीं पता होंगे ना, ग्रेटर देन लेस देन इज नॉट इक्वल्स टू होता है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या वैल्यू डालनी है, तो अटक जाएगा यहाँ पे. तो सपोज हम क्या चाहते हैं कि जब भी यूजर कुछ रॉन्ग वैल्यू एंटर करे उसको एक मैसेज मिले जो कि हम टाइप करें, हमारा टाइप मैसेज हो. जैसे कि आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर अगर कुछ आपने ऐसी इनवैलिड वैल्यू डाली तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है जो कि आपके लैंग्वेज में होता है, आपको एक्सप्लेन करता है वो कि आपको इस तरह की वैल्यू डालनी है, एग्जांपल भी वहां पर गिवन होता है, करेक्ट. तो वो होता है वैलिडेशन टेक्स्ट, एक्सेस के अंदर उसको बोलते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट. तो वो आप कहाँ से दे सकते हैं, तो वो आप सिंपल है, बिल्कुल वैलिडेशन रूल के नीचे ही वो प्रॉपर्टी हमको मिलती है वैलिडेशन टेक्स्ट की. तो आप आ जाओ आपको डिजाइन व्यू पर. ये हमने वैलिडेशन रूल बनाया था इस फील्ड के लिए. अब इसी फील्ड के लिए अगर यूजर रॉन्ग इनपुट करता है तो क्या मैसेज देना है, आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल, ठीक है. तो कैसे लिख सकते हैं हम वैलिडेशन टेक्स्ट को, यहाँ पर लिखेंगे एंटर अ वैल्यू, अ नॉन जीरो वैल्यू या कुछ भी, ठीक है. तो हम सिंपली लिख देंगे एंटर अ नॉन जीरो वैल्यू. तो आपको जो भी मैसेज देना है आप इस तरह से दे सकते हो. सेव कर लिया इसको और अब आ जाओ यहाँ पर. अब मैं जीरो दूंगी तो मेरा वाला मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा, एंटर अ नॉन जीरो. ओके करोगे तो आपको वापस से वो वैल्यू डालने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है. सिंपल था ये. तो आप किसी भी टाइप के वैलिडेशन में इस तरह से वैलिडेशन टेक्स्ट में अपना मैसेज पुट कर सकते हो. जो भी आप यहाँ पर लिखोगे सिंपली, ना डबल को ना कुछ,
सिंपल आपको लिख देना है अपनी बात और वो वैसे का वैसा स्क्रीन पर आ जाए। तो ये था एक बेसिक एग्जाम्पल वैलिडेशन रूल कैसे अप्लाई होता है। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं। यस दीक्षांत, निशांत आप क्या बोल रहे हो? डेसिमल वैल्यू यूज, डेसिमल वैल्यू देके देखना ये बोल रहे हो, तो वो तो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है ना। आपने डेटा टाइप क्या लिया हुआ? देखो इंटीजर लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर आप डेसिमल डालोगे भी, तो ये उसको उसके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो डेसिमल में आए तो फिर आप सिंगल या डबल ले लीजिए, फ्लोट वाला कोई ले लीजिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर लिया तो इंटीजर वैल्यू भी लेगा, सिंगल डबल लोगे तो वो फिर पॉइंट वाली वैल्यू भी लेगा। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आ जाओ पीपीटी पर। अब देखो ये जैसे सिंपल एक कंपैरिजन हमने किया, आप बाकी ऑपरेटर का भी कर सकते हैं। बट अभी ये जो ऑपरेटर है एंड और जो यूज कर रहे हैं ये हमने अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो ये वाले में डिस्कस करें। बाकी आप यहाँ पर अगर लिखना चाहो, जैसे कि यहाँ पर आप लिखो कि प्राइस, फूड क्वांटिटी क्या है, फूड की आपकी प्राइस क्या है, आप यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ वैलिडेशन रूल में आप लिख सकते हो कि शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, यूजर जो भी डाल दे कि हमारे पास तो 100 से नीचे की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई भी फूड आइटम है ही नहीं, तो 100 से ऊपर ही डाले यूजर। तो यहाँ पर अगर मैं 100 भी डालूंगी तो भी नहीं चलेगा, बताओ ये क्यों नहीं चला? मैंने लिखा था ग्रेटर देन 100, तो इसने क्या किया, प्राइस इज ग्रेटर देन 100, तो फॉल्स आ गया आपका। क्योंकि आप सबने बोला था कि अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन लिखते हैं तो दोनों वैल्यू के कंपेरिजन में फॉल्स आउटपुट आता है, करेक्ट? तो आपको इससे 100 से बड़ा वैल्यू ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 100 को भी एक्सेप्ट करें तो वैलिडेशन रूल क्या लगाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जो एंट्रीज आए वो 100 या फिर 100 से बड़ी हो, तो फिर क्या वैलिडेशन रूल यहाँ पर लगेगा? बिल्कुल सही हरिप्रु, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ओके, अभी हमने जस्ट इक्वल्स ग्रेटर देन 100 किया है तो ये इसको नहीं ले रहा, तो अब ये ले लेगा और इसको हम अगर चाहते हैं कि 100 भी आए तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 सेव। यस यस, एंड अब ये 100 को ले सकते। ओके, तो इस तरह से आप वो सारे ऑपरेटर जितने अभी तक बताए हैं यहाँ पीपीटी में वो ट्राई कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का एक चाहो तो मैं बता भी सकती हूँ यहाँ पर एग्जांपल, डबल इक्वल्स टू नहीं चलेगा, यहाँ पर सिंगल वन टाइम इक्वल्स टू लिखना है आपको कंपैरिजन के लिए भी। ओके, दीक्षांत आप क्या बोल रहे थे? वैलिडेशन टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा है क्या? निशांत वैलिडेशन टेक्स्ट रिपीट करना है क्या? यस प्रियांशु, आपका आंसर भी करेक्ट था बिल्कुल। ओके, आप चाह रहे हो कि आप वहां पर पॉइंट डेसिमल वाला नंबर यूज करो इंस्टेड ऑफ जीरो। ठीक है, तो एक फील्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर, उसमें नहीं करके हम एक यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं डमी फील्ड F2, और इसमें हम नंबर डेटा टाइप इसको दे देते हैं। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं, ठीक है, वैलिडेशन रूल, और यहाँ पर हम इंटीजर हटा देंगे क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, तो फिर हमको यहाँ पर एक्सेप्ट भी करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सिंगल हमने ले लिया यहाँ पर और वैलिडेशन रूल पे हम आ गए। अब हमने कंपेयर कराया उसको, इक्वल्स टू क्या 10.8 है वैल्यू,
अगर ऐसा है तो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज ना करे, तो हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, हमारा क्या है वैलिडेशन रूल कि ये जो मेरा फील्ड है F2, इसके अंदर यूजर अगर 10.8 डाल रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 10.8 इज इक्वल्स टू 10.8, करेक्ट। तो ये वैलिडेशन क्या आउटपुट देगा, ट्रू, तो तब एक्सेप्ट कर लेगा वो एंट्री को, और अगर अदर देन 10.8 डाल रहा है यूजर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, पॉइंट में मैंने इसलिए दिया ताकि दीक्षांत की भी क्वेरी क्लियर हो पाए कि इस तरह से क्या हम दे सकते हैं या नहीं। तो हम इधर आ गए, हमने लिखा 12.7, एंटर किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैंने इस आउटपुट को हटा दिया, 10.8 कर दिया, उसी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप पॉइंट में भी दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते थे पॉइंट में, बट उससे पहले आपको यहाँ पर फील्ड साइज में इंटीजर से हटा करके इसको सिंगल करना था, क्योंकि वो एक पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट तभी करेगा जब वो फ्लोट डेटा टाइप होगा। अगर नहीं होता तो फिर वो फिर 10.8 को 11 ले लेता और 11 को कंपेयर कर रहा होता किससे, 10.8 से। तो वहां पर आप 10.8 डालते हुए भी वो कंपैरिजन गलत होता। ठीक है, तो फिर ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट वाइज, ये तो मैं कर रहा हूँ बट क्या वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट भी करेगा जो मैं कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, दीक्षांत आप को अनम्यूट करूं मैं एक बार। वीडियो ऑन करिए अपना एक बार, आप क्वेरी मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, आपने जो दूसरा मैसेज भेजा है। फटाफट एक दो ऑपरेटर और देख लेते हैं, बाकी चीजें हम कर डिस्कस करेंगे। ये नीचे आया हमारा, दो ऑपरेटर और है, एंड और दूसरा है और। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए हुए हैं एंड और का, वो बिल्कुल वही है एग्जैक्टली जो आप पढ़ के आए हुए हो, मैच करता है पूरा। ठीक है, तो नथिंग इज न्यू। एंड का मतलब जब आप टू कंडीशन के बीच में एंड लिखते हो तो क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू होंगी तभी आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट आपका ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है या दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आउटपुट क्या आता है, फॉल्स, करेक्ट। और जब दो कंडीशन के बीच में हम और लगाते हैं तो वहां पर क्या चलता है, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट विल बी ट्रू, अगर दोनों ट्रू होती है तो भी आउटपुट ट्रू, जब दोनों फॉल्स होती है तभी आपका आउटपुट फॉल्स आता है। यही होता है ना एंड एंड और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर लिखा सपोज नाइन इज ग्रेटर देन फाइव, और यहां पर मैंने बीच में लगाया एंड, तो यहां पर कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं चलता एंड ऑपरेटर या कुछ भी। ठीक है, आपको पूरा एंड लिखना पड़ेगा, ए एन डी एंड, 5 is greater than 2, इसका आउटपुट क्या होगा जल्दी से बताइए, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। रिप्लाई कीजिए फटाफट, इस कंडीशन का आउटपुट क्या होगा, मैंने कहा 9 is greater than 5 and 5 is greater than 2, सब ट्रू बोल रहे हैं, तो फॉल्स भी बोल रहा है क्या, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ट्रू आप लोग, क्यों, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5, दैट मींस इस कंडीशन का आउटपुट क्या है, ट्रू, और 5 इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस यस ट्रू, 5 भी 2 से बड़ा है और 9 5 से बड़ा है, तो दोनों का आउटपुट ट्रू है। और एंड ऑपरेटर के में क्या होता है, जब दोनों तरफ ट्रू होता है तभी आउटपुट ट्रू आता है, अगर एक भी तरफ फॉल्स आ जाए, सपोज ये होता है यहाँ पर 50, तो ये वाली कंडीशन तो हो जाती है फॉल्स, फॉल्स हो जाती है ना ये कंडीशन, क्योंकि 9 50 से बड़ा नहीं होता है, तो अब क्या आता आउटपुट इस केस में, ट्रू ना आकर के अब आउटपुट आता फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो भी आउटपुट फॉल्स आता, तो एंड तभी
स्ट्रिक्ट है एंड बहुत हम समझ सकते हैं कि दोनों के ट्रू होने पे ही ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स। दूसरा जो और होता है वो फ्लेक्सिबल है, वो बोलता है अगर एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू दूंगा, फॉल्स कब दूंगा तो दोनों साइड फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को क्या ट्रू फॉल्स में? इसके कल कुछ एग्जाम्पल करके भी हम लोग देखें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं क्लास। कोई क्वेरी हो ट्रू और एंड या ऑपरेटर से रिलेटेड तो आप पूछ। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तभी प्रॉब्लम्स आएंगे।